इंडिया बेस्ट डांसर में आज भी जारी रहेगा बेस्ट का इंटरनेशनल टेस्ट, जहां डांसर्स बिखेरेंगे अपने आउटस्टैंडिंग टैलेंट की चमक और दिखाएंगे दुनिया के अलग अलग डांस स्टाइल्स की झलक। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डांस दैट वी हैव डन दिस, सो दिस इज फॉर यू ब्रदर, वेल डन, वेल डन। नोरबू, आज ना मेरी आंखें आपसे नहीं हटी, उसके लिए ये डेफिनेटली बनता है। दुनिया का सबसे नंबर वन एक्टर इन द वर्ल्ड चार्ली चैप्लिन, और वो क्या करता था, माइन। हैट्स ऑफ टू यू। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। एक्सप्रेशन और इमोशन क्या था, ब्यूटिफुली डांस। उठने वाला है आज डांसिंग का महत्वपूर्ण, जब इंटरनेशनल टेस्ट में डांसर्स लगाएंगे अपनी जी जान। वेलकम टू इंडिया बेस्ट डांसर। तो इंडिया बेस्ट के इंटरनेशनल टेस्ट में हम बुलाते हैं हमारे पहले डांसर को। जजेस, हमारी अगली डांसर सुष्मिता को जब पता चला कि उन्हें इटली का डांस फॉर्म माइम परफॉर्म करना है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इटली पे थोड़ा रिसर्च किया जाए। इसीलिए वो सीधा गई ब्रिलियंट वर्तिका के पास। फिर वर्तिका, और पूछा, दीदी इटली के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो ब्रिलियंट वर्तिका ने एक सेकंड में बोल दिया, सांभर। सुष्मिता ने कहा, दीदी मैं इटली की बात कर रही हूँ, इटली की। तो ब्रिलियंट वर्तिका बोली, अच्छा इटली, ओहो इटली की तो सबसे अच्छी चीज तो नारियल की चटनी है, वो भी राई डाल के। जजेस, माना कि इस जोक से वर्तिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपसी दुश्मनी नाम की भी कोई चीज होती है। सो इंडिया बेस्ट के इंटरनेशनल टेस्ट में इटली का डांस स्टाइल माइम परफॉर्म करने आ रही है, जिनकी फैंस की गिनती का नहीं कोई एंड है, और जो नोरबू की जस्ट फ्रेंड है कालिंगपोंग वेस्ट बंगाल से, सुष्मिता तमन, और इनके कोरियोग्राफर शुभ्रनील पॉल। आपके पास वक्त बहुत कम है, आप अपना कीमती वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जू जगाऊं, अगर तुम कहो। तितलियों के पीछे भागूं,
मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं। जितने खुशबुएं बाग में मिले के राजा से रानी मिले थे कहां कहानियों पे नगर में तुम्हें लेके जाओ अगर तुम कहो अगर तुम कहो अगर। क्या बात है यार, क्या बात है। एक्ट इतना प्यारा था। I think it'll be unfair if I don't stand and talk to these two. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Oh, end na. Oh, end ne mere ko thoda sa jhanjhod diya hai. So I'm just trying to gather myself right now. Aaj is manch pe best ka international test ho raha hai. 90s ke gaane ho rahe hain. Lekin ye gaane ko is tarah se aap interpret karenge, maine socha nahi tha. It's indescribable what you have done today. वो टीवी वाला मोमेंट। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगा। वो जुगनू वाला मोमेंट। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं। पूरा चंक जो स्टेप्स पे उतरते हुए वायलिन के पीस पे किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग कोरियोग्राफी। टेक्निक वेक्निक सब था, लेकिन एक्सप्रेशन और इमोशन क्या था। सटली डन, ब्यूटीफुली डन। हम तीनों में से अगर किसी ने बहुत सख्त सख्ती से पेश आया आपके एक्ट्स के लिए या आपके फीडबैक के लिए, तो आई वुड से आई एम द वन। मैं बहुत हार्श था आपके साथ, बिकॉज आई फेल्ट कि डांसिंग में आप बहुत स्ट्रांग हो, बट कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इमोशन के जरिए। खराज आपने एक ऐसा एक्ट चूज करा जिसमें इट्स ऑल अबाउट इमोशन। दुनिया का सबसे नंबर वन एक्टर इन द वर्ल्ड इज यू नो हू, चार्ली चैपलिन। और वो क्या करता था? माइम। yes, sir. आज आपने उसकी याद दिला दी। थैंक यू सो मच सर। हैट्स ऑफ, रिस्पेक्ट टू यू वंस अगेन। सुष्मिता, मैं पूछना चाहती हूँ, कितना डिफिकल्ट था ये करना? मैम, मेरे लिए डिफिकल्ट था क्योंकि सब कुछ एक कैरेक्टर में आना
और एक्सप्रेशंस पे वर्क करना. फर्स्ट डे जब रिहर्सल स्टार्ट हुआ तो मुझे बोला कि चेहरा मतलब इतना बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, मुझे लाउड लाउड दिखाना पड़ेगा, हंस भी रहे तो इतना बड़ा हंसना पड़ेगा, रो भी रहे तो इतना ज़्यादा बड़ा. तो जब मैं मिरर पे देख के कर रही थी, मैं खुद को देख के बहुत तो शर्म सा आ रहा था. तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ भी करो, ये चाहिए चाहिए, कैसे भी करो. पहले तो मेरे से नहीं हो पा रहा था तो थोड़ा सा डांट भी पड़ा था. एक्चुअली मैं डांटता नहीं हूँ, बहुत कम डांटता हूँ, बट इस हफ्ते मैंने किया थोड़ा सा वैसा, क्योंकि मेरे को सर की बात याद है कि सर ने बोला था कि यहाँ से काम करना पड़ेगा, तो मैं जानबूझ के माइम चुना. बट सुष्मिता ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस हफ्ते, क्योंकि उसके लिए क्योंकि नया था ये स्टाइल, तो उसको मैं कभी नहीं देखा चुपचाप बैठी है. वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेशन में बात कर रही थी, मतलब खाने भी जाती तो ऐसी जाती थी, वो आती भी थी ऐसी आती थी, तो वो कैरेक्टर में घुसा हुआ था पूरा टाइम, पूरा ये वीक. जब दिखाओ तो खाना कैसे खाती थी? इसे कहते हैं डेडिकेशन. राइट मैम, मैं लेकिन मैम अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है, बट मैं बहुत ज़्यादा ही कितना बोल बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे सुब्रनिल सर मिला है. क्योंकि मैम लास्ट वीक से मुझे ऐसे हो रहा था कि क्योंकि मुझे पता है जैसे सीजन वन में उनका हमेशा लाइक स्कोरिंग भी 30-30-30-30 ऐसे होता था, है ना, और मेरा इज नहीं हो पा रहा था. इनके लिए बहुत बुरा लग रहा, उनका था 100% दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, बट मेरे से नहीं हो रहा था. लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर अभी जाके आज थोड़ा मैं खुश हूँ और इनको मैं बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था, 30 मिल गया है आपको, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जोरदार तालियां हो जाए. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद इंडिया में स्पेन की सिर्फ दो ही चीज फेमस है, पहली टोमेटिना फेस्टिवल और दूसरी बुल फाइटिंग. लेकिन अगली परफॉर्मेंस के बाद से इंडिया में स्पेन की एक और चीज फेमस होने वाली है, और वो है स्पेन का मशहूर डांस स्टाइल पासो डोब्ले. सो इंडिया बेस के इंटरनेशनल टेस्ट में स्पेन का डांस स्टाइल पासो डोब्ले परफॉर्म करने आ रहे हैं डांस का छप्पन भोग सत्ता मध्य प्रदेश से शिवांशु सोनी और इनकी कोरियोग्राफर श्वेता वॉरियर. अरे मैंने सुना शिवांशु तुमसे प्यार करने लगा है. नहीं नहीं, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. मुझे लगता है वो तेरे प्यार में पागल हो गया है. माँ, तुम हमेशा कहा करती थी ना कि घर सूना लगता है, पर मैंने तुम्हारे लिए बहुत ढूंढ ली है. और आज मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा. अरे शिवांशु, क्या सही टाइम पे आए हो. मैंने अभी अभी गरम गरम चाय बनाई है. मुझे तुमसे कुछ कहना था. हाँ हाँ, पहले अंदर तो आओ. एक ही तो दोस्त है मेरी जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ. श्वेता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. हम सिर्फ दोस्त हैं और मैं किसी और से प्यार करती हूँ. मेरे होते हुए तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकती हो?
जाऊं तेरी बाहों में उलझा उलझा सुलझाने दे होश मुझे तेरी चाहूं मैं उलझाऊं अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती एक लड़की जब ना बोलती है तो उसका मतलब ना ही होता है। कॉन्सेप्ट फैंटास्टिक था, डांसिंग सुपर्ब था, पासा दोबले किया है और यू नो इट्स अ मैटाडोर एंड अ बुल। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि एक सांड आ रहा है और एक मैटाडोर उसको किस तरह से हैंडल करता है। शिवांशु एज अ अटैकर था और उसको जिस तरह से आपने नेक से वो टर्न करके फ्लिप जो किया और पूरा कोरियोग्राफी फ्लिप हो गई और आप अटैकर बन गई, मेरे गूज बम्स आ गए थे इस वक्त। सो फॉर मी इट वाज अ फुल मार्क परफॉर्मेंस, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। शिवांशु आपके लिए मैं फिर से खड़े होके, एज एन एक्टर यू आर फैंटास्टिक टुडे। Superbly done. Once again, well done. Thank you so much, sir. But Paasa Doble ka kuch cheeze bahut ahem hissa hai, which is the form itself. शरीर का जो वो एक पोस्चर जो आव भाव होता है ना, इट्स सो मैस्कुलिन, वो शान, वो फ्लेयर, वो आंखों में देखना, वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिप्रेजेंट पासा दोबले। आई वुड से सो क्लोज, शिवांशु इज सो क्लोज, आई कैन टेल यू हाउ क्लोज ही वॉज टू द फॉर्म। तो आई फील कि मुझे थोड़ा आपसे मार्क्स कट करना पड़ेगा, इट्स जस्ट दैट ये टेक्निकल जज होने के नाते आई हैव टू होल्ड दैट फॉर यू। ओके टेक्निकल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है रिस्क में बरकत होती है, रिस्क लेना बहुत अच्छा है। आई एम गोइंग टू बी लीनियंट और बहुत गर्व से ये कह रही हूँ कि आई फील प्राउड दैट यू अटेम्प्टेड समथिंग लाइक दिस अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। थैंक यू सो मच। अरे वाह, वेरी गुड स्कोर, 29 हुआ आपका टोटल स्कोर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिवांशु एंड श्वेता के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सो मच जजेस। सो इंडिया बेस्ट के इंटरनेशनल टेस्ट में यूएसए का डांस स्टाइल डिस्को और साथ में ऑस्ट्रेलिया का डांस स्टाइल शफल परफॉर्म करने आ रही है ममगाई परिवार की बुनियाद पौड़ी गढ़वाल से अंजलि ममगाई और इनके कोरियोग्राफर आर्यन पात्रा।
किसने सोचा था, जिसने भी इजाद की थी डिस्को की अमेरिका में हुआ था, और किसी ने तो इजाद की थी शफल की जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, किसी ने कभी सोचा था कि इंडिया में जाके इन दोनों चीज का मिश्रण आर्यन करेगा? ये होता है सिर्फ इंडिया बेस्ट डांसर पे. आउटस्टैंडिंग वर्क आर्यन, व्हाट कोरियोग्राफी. Not only shuffling of the feet, you had shuffling of positions, which is very brilliantly done. Disco shuffle, एक ऐसा era है, so amazing. ये मेरे दिल के करीब है because we grew up in that era. Yes. और मिथुनदा को देखकर, हमारे देसी version को देखकर एक अलग ही zone में हम चले जाते थे. But I have to say, what a vibe. Firstly, sets, lighting, costume department. Yeah, outstanding. Well, complete retro vibe. Aryan doesn't look like a modern day boy. तो लग रहे हो 70s के ज़माने, हमारे ज़माने पर. Superb. Anjali, I just love your energy. First section कितना तगड़ा था. I just loved how upper body, lower body को mix करके वो disco और shuffle का जो मिश्रण हुआ वॉज सुपरबली डन बाय आर्यन, वेल कोरियोग्राफ्ड. बट थोड़ा जैसे गाना आगे बढ़ता गया, अंजलि कहीं वो एनर्जी थोड़ा ड्रॉप मुझे लगा. I agree with Terence. कहीं पे definitely lag हुआ है. Maybe आप थक गई. I don't know. The judges बारी है स्कोर्स की. 9 marks. Thank you. Thank you. 8 marks. Thank you, man. And all right. तो आपका total होता है 26. चलिए, आपने तो बहुत ही अच्छा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अगर समझो ये चुम्मा चुम्मा जो गाना है, मतलब इतना प्यारा गाना है, और अगर समझो इस पे अगर हम लोग वो पूरे मक के साथ अगर ना करें तो मज़ा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अधूरा रह जाएगा. रिक्रिएट करते यार वो मेमोरीज, यार सच्ची में बता रहा, बड़ा मजा आएगा. हो जाए हो जाए हो जाए, ये और टेरेंस सर रेडी है, तैयार है. या कम ऑन टेरेंस, आ जाइए.
सर, गीता मैम, सोनाली मैम, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। करिए। कोई तो हमारे कुछ करे। क्या क्या? Are you serious? हाँ हाँ, हम तीन। जोरदार ताला हो जाए हमारे तीनों जजेस के लिए। Fantastic यार, lovely. डांसर, सच्ची बताओ, आप तो यार वैरायटी किंग हो, मतलब सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, जजिंग सब कुछ कर लेते हो यार। पर जय, मैं बता दूं, इंडस्ट्री में एक और वैरायटी किंग की एंट्री हो चुकी है। जजेस, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिहर्सल्स करते वक्त राम को एक इंजरी हो गई थी, जिस वजह से वो आज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। राम, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप प्लीज स्टेज पर आ जाए। हेलो राम, नमस्ते। क्या हुआ है? मैम, नी में थोड़ा इंजरी हो गया, नी स्प्रेन है मेरे को। तो जजेस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राम के इस इंजरी के बारे में हमारे डॉक्टर्स का क्या कहना है। 5, 6, 7, वो 1, 2, 3, 4, 5। एक मिनट, थोड़ा सा पेन सा हो रहा है मेरे को। कहाँ पे पेन हो रहा है? नी पे। मेरे आगे के टाइम पे थोड़ा सा मोच आया था मेरे को, तो तब मेरे को लगा शायद से छोटी मोटी चोट रहेगी, तो तब मैंने इसको इग्नोर कर दिया। अभी जब ये वीक मेरे को ऐसा था कि बॉटम में नहीं आना है, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा था, तो ये जो मेरा पिछला नी का इंजरी था, तो ये वापस से पेन हो गया। कहाँ पेन हो रहा है एग्जैक्ट बताओ? मैं ऑडिशन के टाइम पे इधर हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पीछे हो रहा है। पीछे हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद से नी पे स्प्रेन हो सकता है, स्वेलिंग जैसा लग रहा है, तो इट इज बेटर के विल गो फॉर MRI। डर लग रहा है कि मतलब कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। मैंने राम के रिपोर्ट्स देखे, उनका जो मेन ACL लिगामेंट है अपना नी का, वो Grade 1 स्प्रेन है, और मैं सजेस्ट करूंगी जिस हिसाब से उनका हाई इंटेंस डांस है, तो और ना बढ़े और स्प्रेन को टेयर में ना बदल जाए, उसके लिए रेस्ट कंपल्सरी है। यानी कि आज तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे? नहीं मैम। मतलब इस हफ्ते आपको कोई स्कोर्स नहीं मिलेंगे? नहीं। अगर आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि इस हफ्ते के स्कोर्स और अगले हफ्ते के स्कोर्स मिलाए जाएंगे, और जो सबसे कम स्कोर करेगा वो जाएगा बॉटम में। सो आई थिंक वो माइंडसेट लेके चलो कि भले इस हफ्ते ना हो, रेस्ट कर लो, ठीक हो जाओ, एंड आई थिंक यू शुड बी गुड टू गो नेक्स्ट वीक। यस मैम। यस जी मैम। राम, इंजरी हुई है, होप नहीं हारना, चांस है, मेक गुड विद इट। यस मैम। टेक केयर राम। यस मैम। ऑल द बेस्ट राम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जजेस, एंड थैंक यू सो मच राम। एक बार जोरदार ताले हो जाए राम के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। अगले हफ्ते आ रहे हैं मेरे सुपर डांसर के बच्चे। 8 and 1, 2। हाय क्यूटी। मैं डांस करने वाली हूँ नोरबू भैया के साथ और तिशा सर के साथ, जो इनफैक्ट इतने तैयार हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स को भी कुछ सिखा दे। जब मैंने सुना कि मुझे अंशिका मिल रही है, तो मुझे लगा हाँ शायद कोई नॉर्मल सी लड़की होगी, पर जब मैंने देखा कि वो इतना खतरनाक डांस करती है, मैं पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इससे सिखाऊं या इससे सीखूं। मैं तो प्रिया को तो स्टॉक तो कर लिया, स्टॉक करके एक एक वीडियो जब देख रहा हूँ, मैं तो डर जा रहा हूँ ये बच्चा क्या कर रहा है, मैं ऐसे कैसे मैचअप कर पाऊंगा। और उनके पास इतना एक्सपीरियंस है इस उम्र में, मेरी जो पार्टनर है रूपसा, वो तो विनर रह चुकी है सुपर डांसर की। India's Best Dancer Season 3 is just making it very difficult for contestants to be in their comfort zone. बच के रहना
और बहुत ज्यादा मेहनत करना क्योंकि उनको आदत है इस मंच की। मैं बॉलीवुड करता हूँ, उनका स्टाइल ओपन स्टाइल बहुत डिफरेंट है, नहीं मैं उनके जैसा कर लूंगा। उसको देख के कहीं ना कहीं मुझे अपने बचपन की याद आ गई, एक मासूमियत है उसके फेस पे और एक अलग ही डेडिकेशन है। उसे कुछ नहीं पता, सिर्फ उसे ये पता है कि हाँ डांस करना है। पंकज भाई के कंटेस्टेंट थे परी तमंग, तो वो आई है। राम भैया बात करने से करते हैं, नहीं करने से नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। अभी मैं आ गई, वो बात करेंगे। मैंने इससे सीखा कि काश मैं इतने उम्र में ट्रेनिंग ले लेता तो आज मैं बहुत बढ़िया होता। अगर नहीं ली पर अब ले लूंगा इससे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.